क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए? देखिए, मैं अभी यहाँ से गाजीपुर जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ किसानों के आंदोलन है मैं वहाँ जा रहा हूँ। और मेरा जाने का उद्देश्य कोई मुझे व्यक्तिगत लाभ नहीं है, मेरा जाने का उद्देश्य है, मैं पूर्व मुख्य सचिव रहा हूँ, एक IAS अधिकारी रहा हूँ, कृषि उत्पादन शाखा में रहा हूँ, फूड कमिश्नर रहा हूँ, केन कमिश्नर रहा हूँ, सारे पदों पर रहा हूँ, जिला अधिकारी रहा हूँ। मैंने इनका जो संशोधन है उनका अध्ययन किया, मैं अपनी बातों किसानों तक पहुँचाऊँगा, उनको समझाऊँगा कि वास्तव में इसके दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं, इसलिए मैं निकला हूँ। और मैं पंजाब वाले बॉर्डर पर भी जाऊँगा, हरियाणा के बॉर्डर पर भी जाऊँगा, अपनी बात जहाँ जहाँ किसान बैठा वहाँ पहुँचाएँगे, और फिर उसके बाद हमारा इस आंदोलन को गाँव गाँव तक पहुँचाने का उद्देश्य है, ताकि गांव-गांव में किसान के समझ में आए ये जो अधिनियम आने वाले हैं आपको गुलाम करने के लिए हैं, ये खेती किसानी को छीनने के लिए हैं, ये सरकार किसानों की हितेशी नहीं है, ये किसानों का शोषण करने वाली सरकार है, ये बताने का। सरकार आरोप लगा रही है कहीं ना कहीं किसानों को बरगलाया जा रहा है, उन्हें बहकाया जा रहा है, जिसकी वजह से किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन गैर राजनीतिक है, ठीक है, वोट तो कोई किसी ना किसी को देता है, हम आपने भी दिए वोट तो, लेकिन वोट किसी पार्टी को दे इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पार्टी के व्यक्ति हैं। देखिए, ये गैर राजनीतिक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, अपने आप छोटे छोटे जो ग्रुप हैं वो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। तो सरकार का ये आरोप सरासर गलत है कि ये राजनीति से प्रेरित है। अगर राजनीति वालों को तो किसी को आने भी नहीं दिया, आज दिखाई दे रहा है कोई किसी पार्टी का व्यक्ति, आप समर्थन सारी पार्टियों ने दिया है, क्योंकि सारी पार्टी चाहती है किसान का वोट, तो समर्थन सब दे रही हैं, लेकिन नेतृत्व वास में किसान कर रहा है इसका। तो आप यहाँ पहुँचे हैं तो पुलिस प्रशासन ने आपको रोकने की कोशिश की है? देखिए, हमको रोका गया वहाँ पे, गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी है, जहाँ 3-4 टोल लगे हुए रास्ते में रोका रखा है, वहाँ से फिर हमने स्कूटर लिया किसी किसान का, और उस स्कूटर से बैठ के हम आए हैं, अभी गांव में स्कूटर खड़ा कर रखा, फिर गांव से पैदल आए हम, क्योंकि उनको लगता है कि भाई कोई भी जा रहा है। हमने उनसे कहा कि भाई हम तो गांव जा रहे हैं, भाई बताएंगे तो हम है ही है, और आंदोलन में जाना, मैंने ये भी कहा एक उससे पुलिस वाले से, ये बताओ भैया किसान के आंदोलन में शांतिपूर्वक जाना, बात करना, ये कोई प्रतिबंधित है क्या लोकतंत्र में? क्यों नहीं जाने दे रहे भाई? उन्होंने कहा साहब भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाएगी, अगर ये पुलिस रोक दें, रोके ना चौराहों पे, तो वहाँ यहाँ लाखों की भीड़ होती। सरकार ने पूरा जोर लगा रखा है कि किसान इकट्ठा ना हो, तमाम नेताओं को नज़रबंद कर रखा है। और मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरठ रुका हुआ हूँ, दो पुलिस वाले मेरे घर के सामने खड़े हुए, एक मजिस्ट्रेट आया सा मेरे, मैं तो पीछे के दरवाजे से निकल के आया हूँ, और अभी भी लगे हैं वहाँ। मैंने ट्विटर पर लिख दिया था कि मैं कई जगह आंदोलन में सम्मिलित होऊंगा, और ये सब पुलिस प्रशासन वाले ट्विटर भी देखते हैं, उन्होंने फट से पुलिस भेज दिया। अगर तो पुलिस प्रशासन की नज़रबंदी से बच के आप निकले, मैं तो पीछे के दरवाजे से निकल आया, छोटा दरवाजा उससे निकल आया, और मैं प्राइवेट गाड़ी से आया, मेरी अपनी गाड़ी बड़ी से नहीं आया, मैं छोटी गाड़ी से किसी के साथ आया, जैसा जने त्यागी जी कहाँ गए, ये मुझे लेके आए, उसके बाद फिर यहाँ पे आए तो रोक दिया गाड़ी, गाड़ी हमारी वहीं खड़ी है, और मेरी गाड़ी यहाँ पुलिस की रक्षा में है, कोई जला ना दे, फूंक ना दे, ये देखना पड़ेगा, हो सकता है कई बार उल्टा हिसाब हो जाता है। वहाँ से हमने स्कूटर लिया, बताया लोगों को, दो लोग बेचारे किसान ही हैं, वो स्कूटर से हमें बैठा के लग गए।